नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को मेरे YouTube चैनल राजीव कुकिंग में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जो रेसिपी लेकर आए हैं वह है आलू अंडे की रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालने पर आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, आलू अंडे की रेसिपी बनाने के लिए हमने 4 अंडे और 3 आलू लिए हैं। सबसे पहले हम अंडा और आलू को उबाल लेंगे। अंडा और आलू उबाल होने के बाद हम छील लेंगे। इसके साथ ही प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर और धनिया पत्ता, दालचीनी, 2 इलायची और 2 तेज़पत्ता लिए हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म करके इसमें तेल को डाल लेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब उसमें हम अंडा को फ्राई कर लेंगे। फ्राई तब तक करेंगे जब तक अंडा लाल कलर या ब्राउन कलर का ना अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। देखिए, मेरा अच्छी तरह से अंडा ब्राउन कलर में हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसके बाद हम तेल में इलायची, दालचीनी और साथ में तेज़पत्ता को डालकर हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके बाद हम कटे हुए प्याज जो रखे थे, उस कटे हुए प्याज को रख देंगे और इसको ब्राउन होने तक, हल्का ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद हमने जो अदरक, लहसुन और प्याज का जो कद्दूकस कर लिया है उसको डालकर सभी को हम फ्राई करेंगे। हल्का ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। देखिए, मेरा हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम हल्दी को ऐड करेंगे, हल्दी 1 चम्मच छोटी वाली से। इसके साथ ही मिर्ची पाउडर 1 चम्मच ऐड करेंगे। साथ में धनिया और जीरा का जो पाउडर है उसको भी ऐड करेंगे। ऐड करके मसाला को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसके बाद साथ ही हम 1 चम्मच सॉल्ट स्वाद अनुसार डाल लेंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिलाकर स्लो आंच में इसको फ्राई करेंगे। फ्राई होने के बाद जो हमने टमाटर लिए थे उसको कद्दूकस कर लिए हैं, इसको भी डालकर अब अच्छी तरह से ग्रेवी और मसाला को फ्राई करेंगे। मसाला जब तक अच्छे से फ्राई हो जाए, देखिए मेरा मसाला अच्छे कलर में आ गया है। और इसके साथ ही हम जो आलू थे कटिंग करके इस तरह ऐड कर लेंगे। साथ ही आलू और मसाला को 2 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने के बाद 2 मिनट के बाद हम इसमें पानी को ऐड कर लेंगे जितनी ज़रूरत है। और अंडा को डालने के लिए, जब तक अंडा डालेंगे, जब उबाल इसमें पानी में आ जाए तब इसको अंडा को डालेंगे। इससे पहले हम अंडा को उसमें कटिंग करके नमक डालेंगे। देखिए, जिस तरह हम डाल रहे हैं इस तरह डालने से नमक अंडा में अच्छी तरह से मिल जाएगा, स्वाद भी खाने को अच्छा लगेगा। देखिए, मेरा पानी में अब उबाल आ गया है। अब हम इसमें अंडा को डाल देंगे। अंडा को डालने के बाद इसको 10 मिनट के लिए ढक कर छोड़ देंगे स्लो गैस करके। इसके बाद 10 मिनट के बाद हम ढक्कन को खोलेंगे। देखिए, मेरा आलू अंडा की रेसिपी बनके तैयार है। इसके साथ ही हम इसमें गरम मसाला को ऐड कर देंगे और जो धनिया पत्ता कटिंग रखे थे उसको कटिंग करके इस तरह हम डाल देंगे। देखिए दोस्तों, मेरा आलू अंडे की रेसिपी बिल्कुल बनके तैयार है। अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे और सर्व के लिए निकाल लेंगे। दोस्तों, यह रेसिपी, आलू अंडे की रेसिपी, अगर आपको अच्छा लगे तो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।